जिला कांगड़ा के फतेहपुर के अंतर्गत पड़ती पंचायत उमेरा के निवासी बीएसएफ में हवलदार संजय कुमार का निधन हो गया। वो ओडिशा के अग्रतला में तैनात थे। बीएसएफ के जवान की मौत से परिवार सहित पूरा गांव शोक की लहर में डूब गया। बुधवार को पैतृक गांव में जवान का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बीएसएफ के हवलदार संजय कुमार को पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। बीएसएफ की कंपनी कमांडर वाई के मेहरा सहित साथ आए जवानों व पुलिस की टुकड़ी ने हवा में फायर कर उन्हें सलामी दी। बुधवार को जैसे ही हवलदार संजय कुमार का पार्थिव शव उनके घर पहुंचा तो सभी लोगों की आंखें नम हो गई। गौरतलब है कि ब्लॉक फतेहपुर के अंतर्गत पड़ती पंचायत मेहरा के निवासी संजय कुमार बीएसएफ में हवलदार के पद पर तैनात थे और अगरतला उड़ीसा में कार्यरत थे। शहीद संजय कुमार करीब 25 साल पहले भर्ती हुए थे। अभी कुछ दिन पहले ही संजय कुमार अपने घर छुट्टी काटने आए थे। छुट्टी काटने के उपरांत राजस्थान चुनाव में ड्यूटी दी और करीब 3-4 दिन पहले ही अगरतला पहुंचे थे। सोमवार को यूनिट से उनकी पत्नी को फोन आया कि संजय कुमार को हार्ट अटैक आया है, लेकिन वे ठीक है। उसके करीब आधे घंटे बाद दोबारा से फोन आया कि संजय कुमार की मौत हो गई। ये समाचार सुनकर परिजन और गांववासी शोक की लहर में डूब गए। इस मौके पर सेवानिवृत्त आईजी रमेश चंद, एसडीएम ज्वाली अरुण कुमार शर्मा, ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ठाकुर सहित काफी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। हवलदार संजय कुमार अपने पीछे पत्नी व दो बेटे छोड़ गया है। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।